जल संस्थान से पानी आपूर्ति करने वाले टैंकरों पर परिवहन विभाग ने नकेल कस दी है। अब व्यावसायिक परमिट के बिना पानी का टैंकर चलाने पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर टैंकर मालिकों और चालकों में खासी नाराजगी है। आपको बता दें कि इस नियम के तहत व्यावसायिक कार्यों में शामिल वाहनों का कमर्शियल परमिट लेना जरूरी है, लेकिन अब तक पानी टैंकर चालकों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करने से बचता रहा है। इसका फायदा उठाकर शहर में बड़ी संख्या में प्राइवेट टैंकर चालक पानी की सप्लाई प्राइवेट नंबर पर करते हैं। अब संभागीय परिवहन कार्यालय जन संस्थान को पत्र लिखकर आदेश जारी करेगा कि विभाग उन्हीं पानी के टैंकरों को पानी दे जिन्होंने व्यावसायिक परमिट जारी हुआ है। इसके बावजूद अगर कोई टैंकर प्राइवेट नंबर पर पानी की सप्लाई करते हुए पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस मामले को लेकर टैंकर स्वामी परेशान हैं। ₹6,000 इस EMI का पैसा लगेगा, जिसमें ट्रैक्टर और टैंकर का टैक्स जाएगा। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा कमर्शियल। इसमें जो हम देते हैं सेवाएं लोगों को ग्रामीणों में, शहरी क्षेत्र में, वो एक नॉमिनल चार्ज है, जिसमें खर्चा निकलता है और एक तनख्वाह निकल के या एक का रोजगार की गुंजाइश रहती है। अब टैक्स भरेंगे वो काफ़ी कहते हैं ज़्यादा हमारी जेब पे असर पड़ेगा, जिस पे हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग खेती वाले हैं, पानी का काम लोग सेवा की तरह करते हैं, जिसमें टैक्स आज तक कभी नहीं था। अभी अखबार में आया था कि 3 महीने का टैक्स पड़ेगा एक ट्रैक्टर में और एक टैंकर में, ₹6,000, जो साल का बनता है करीब ₹24,000, और जो बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को आम जनता से पैसे लेने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे लेने पड़ेंगे, जिसका असर आम जनता पे पड़ेगा। तो इसको लेके यहाँ पर सभी लोग आक्रोशित हैं। कल हम लोग अपने शहर के जो सम्मानित जो नेता हैं उनसे मिलेंगे कि इसका हमें क्या समाधान मिल सकता है। उम्मीद करते हैं हमें समाधान मिलेगा, नहीं तो हमें अन्यथा हमें हड़ताल करनी पड़ेगी, और जिसका असर जिसे पूरा शहर देखेगा।